दोस्तों ये मोटिवेशनल वीडियो जो है आप लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि सोई हुई ऊर्जा को ये जगाने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग ये कहते हैं ना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, इस मुश्किल को कोई तो सुलझा दे, किसी को भुला कैसे जाता है, कोई तो बता दे दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो। दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, बहुत मजबूत हो जाते हैं जो लोग अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ साहब कि मैं तैरना सीख गया। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दिया दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। नाम और पहचान भले छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। खुदा महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। मुझे अकेले चलने में बड़ा मज़ा आता है, ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे छूटता है। कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते हैं वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अजीब शब्द है, सारे इंसान कहे तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख ये दोस्त वक्त अपना भी आएगा। अपने दिल की सुनिए, उसे पता होता है कि आपको क्या बनना है। दूसरों पर PhD करने से बेहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी कर सकती है। कभी रंग देखकर के प्यार मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज़्यादा जोर से काटती है। दरवाज़ा छोटा ही रहने दो, अपने मकान का जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। ख्वाहिशें भले ही छोटी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी हो। आज जो दर्द सह रहे हो कल वो आपकी ताकत होगी। अपने काम से काम रखना भी एक टैलेंट है। हार के डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में हार जाना। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। अगर नशा करना ही हो तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ ना पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदलने से नजर आए। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप ठीक उसी तरह से एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता चलता है जब हम अकेले होते हैं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से होती है। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, जिंदगी में कोई भरोसा तोड़ता है। जिंदगी जीना कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे जितनी ऊंचाई से गिराए जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे बहुत यकीन था। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। मतलब की बातें सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब कोई नहीं समझ पाता। हमारी खामोशी को हमारा घमंड ना समझो, बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि बोलने का मन ही नहीं करता। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाते हैं। आंसू चाहे इंसान के
हो या जानवर के हो, लेकिन ये बाहर तब ही आते हैं जब दिल में बेइंतहा दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्ते की कदर होती है ना, वो मानने से मान जाते हैं, और जिन लोगों को रिश्ते का मोल ही नहीं होता, वो छोटी सी छोटी बात पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनवाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हो जाए तो टूटती नहीं, और जो अगर टूट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी पसंदीदा खुराक है हमारे रिश्ते। दिल में बुराई रख के जुबान का मीठा बनाना मुझे नहीं आता। जिसको अपनाया दिल से अपनाया और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब आप लोग अर्थ निकालिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है लाइफ में बहुत ज़रूरी है जानना। जिंदगी में अब नाराज किसी से भी नहीं होना है, बस अब मतलबी लोगों को नज़रअंदाज करके जीना है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरा वक्त आते ही गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल के इमोशंस, अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझ लेना वो जिंदगी में जीना सीख गया। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की कीमत का पता चले। दुनिया वाले एक गलती पर भी हमें पराया कर देते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी हजार गलतियों के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं। मत बनाओ किसी को सब कुछ अपना, अगर वो चला गया ना तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। बड़े मतलबी निकालते हैं वो सभी लोग जिन पे हम बेशर्त बेइंतहान बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, बहुत से जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी को कुछ भी कहेंगे तो उनको बुरा लगता है। दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम है, बहुत मजबूत हो जाते हैं जो लोग अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ साहब कि मैं तैरना सीख गया। ना तो इतने कड़वे बनों की कोई थूक दिया दे, और ना तो इतने मीठे बनों की कोई निगल जाए। नाम और पहचान भले छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। हमारी खामोशी को हमारा घमंड ना समझो, बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि बोलने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों।